जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से जीव जंतु अपनी मृत त्वचा को छोड़ देते हैं, जिसमें सांप की केचुल के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। सांप की केचुल बहुत सी तांत्रिक प्रयोगों में काम आती है, इससे आसानी से धनवान भी बना जा सकता है। आजकल सांप की केचुली बहुत मुश्किल से मिल पाती है, पर अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये धन को भी आकर्षित करती है। अगर किसी को माँ बनने में परेशानी आ रही है तो सांप की केचुली का इस्तेमाल करके वो माँ बन सकती है, और सांप की केचुली आपके घर की चोर उचक्कों से रक्षा करती है। दोस्तों, सांप शिव जी के गले में भी रहता है। सांप को देवता मानकर हमारे हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास सांप की मणि होती है उसे देवताओं जैसा सुख प्राप्त होता है। इसी तरह सांप की केचुली भी बहुत से कार्यों में फायदेमंद होती है। प्राचीन समय में इसी केचुल का इस्तेमाल करके लोग बहुत से लाभ अर्जित कर लेते थे। सांप की केचुली को तिजोरी में रखने से धन की रक्षा होती है। अगर आपको चोर डाकुओं का भय है और आप चाहते हैं कि आपका धन चोर डाकू ना ले जाएं, तो आप सांप की केचुली को तिजोरी में रख लीजिए, ये धन की रक्षा करती है। इसी तरह घर में मुख्य दरवाजे पर सांप की केचुली को किसी कपड़े में बांधकर लटका देने से घर में चोरी का भय नहीं रहता है। सांप की केचुली को सोने या चांदी के सिक्के या फिर आम प्रचलन में चलने वाले 5 या 10 रुपए के सिक्के के साथ लकड़ी के छोटे से बॉक्स के अंदर रखने से निर्धनता दूर होती है। ये धन को आकर्षित करता है और धन आने के साधनों को बढ़ाता है। जिन लोगों के पास धन आता है पर टिकता नहीं है, तो वो भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप सांप की केचुली को घर के मुख्य दरवाजे के नीचे दबा दें तो ऐसे घरों में उसी दिन से बरकत होनी शुरू हो जाती है। दिन ब दिन धन बढ़ता है और उस घर में धन का अभाव कभी नहीं होता है। अगर किसी को पुत्र की कामना हो तो उस स्त्री को बिना बताए सांप की केचुली किसी प्रकार से खिला दी जाए तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।